रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी झाग वाली कॉफ़ी बनी है। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना मशीन के झाग वाली कॉफ़ी। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 1 चम्मच कॉफ़ी, 2 चम्मच चीनी और गर्म पानी। सबसे पहले एक खाली कप में हम 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर लेंगे। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी हार्ड कॉफ़ी बना रही हूँ मैं। अगर आप हार्ड नहीं चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर कम ले सकते हैं। 2 चम्मच चीनी और सबसे पहले इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम 1/2 चम्मच गर्म पानी का डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अगर मिक्स करने के बाद हमें लगे तो हम थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, पर ये सफिशिएंट है तो मैं अब इसमें पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे फेंटना शुरू करेंगे। तो थोड़ा टेढ़े से मैंने कप को पकड़ लिया है और इसे चम्मच से इस तरह से चलाते हुए हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी और डाल लूँगी। पानी पहले ही कप में गिर गया है तो इसलिए मैं जो ये चम्मच का पानी है उसे फेंक दे रही हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। जब भी आपको इसे फेंटते टाइम ये जो मिक्सचर है ये गाढ़ा लगे और फेंटा ना जा रहा हो तब आप इसमें पानी डालें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कॉफ़ी का रंग बदल रहा है। अभी मुझे सिर्फ 1 मिनट हुआ है और कॉफ़ी का रंग इस तरह से हल्का लाइट हो गया है। इस पूरे प्रोसेस में मैंने करीबन 3 से 4 चम्मच पानी यूज़ किया है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये अपना रंग बदल रहा है, बहुत लाइट होता जाएगा और बहुत कलर में भी लाइट होता जाएगा और वैसे भी बहुत आपको फ्लफी सा नज़र आने लगेगा। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है लेकिन जो उसके एंड रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यानी आप जब कॉफ़ी पियेंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो कॉफ़ी मैंने फेंट ली है, ये काफ़ी फ्लफी हो गई है। तो अब दूध भी साथ में मैंने गर्म कर लिया है। तो करीबन 1 से 1.5 चम्मच में थोड़ी सी कॉफ़ी अलग रख लूँगी। और अब दूध डालते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि दूध को थोड़ा ऊंचाई से डालना है जिससे इसमें अच्छा सा झाग बन जाए, दूध अच्छा खासा गर्म हो। और ये देखिए इसमें झाग बन चुका है। तो एक बार हम चम्मच से कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो बची हुई कॉफ़ी थी उससे 1/2 चम्मच मैं इसमें और डाल लूँगी और उसे हम धीरे धीरे इसमें मिक्स कर लेंगे तो अच्छा झाग बन जाएगा। तो लीजिए तैयार है हमारी झाग वाली कॉफ़ी। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।